फास्ट समाचार के द्वारा कल जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, खबर वायरल होते ही शिवपुरी के अवधेश शिवहरे ने मामला संज्ञान में लेते हुए फास्ट समाचार के माध्यम से जरूरतमंदों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राशन उपलब्ध करवाया। इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां कल हमने खबर लगाई थी, और खबर का असर होते ही जैसे ही अवधेश शिवरे जो कि समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं शिवपुरी में, उन्होंने जैसे ही खबर का संज्ञान लिया, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर इन सभी परिवारों को, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे, इन सभी परिवारों को राशन वितरित किया। आइए बात करते हैं अवधेश शिवरे जी से। अवधेश जी, आपने इन सभी परिवारों को ऐसा एक मुहिम आपने चला रखी, आप उसके बारे में बताइए। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, फिर मैंने अपने अंदर थोड़ी सी प्रेरणा जागृत करके कोशिश की कि जो जरूरतमंद परिवार हैं मैं उनका सहयोग कर सकूं, और सीपी के अंदर जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका भी बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं उनका कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हर जरूरतमंद तक राशन पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में हम भी जुड़े हुए हैं और इस बस चल रहा उसी दिन। आपने ऐसा क्या संकल्प लिया है? संकल्प ये लिया है, जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक सेवाएं जारी रहेंगी। आप तो ये समाज सेवा के लिए कर रहे हैं या कोई और इसके पीछे बैठे हैं? समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। अवधेश शिवरे जी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि ये सभी कार्य वो केवल और केवल समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि लॉकडाउन तक कोई भी भूखा ना सोए। फास्ट समाचार के लिए शिवपुरी से मैं ऋषि भार्गव।